तो हे गाइस, आप जानते हो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है पोको M3 प्रो 5G। तो इस डिवाइस में नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, तो आप आपके पोको M3 प्रो डिवाइस में नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर एंड तक देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। मिस करोगे तो आप इस पोको M3 प्रो डिवाइस में आप नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल नहीं कर पाओगे। एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो, आप मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मेरे सारे सोशल हैंडल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाओ एंड मुझे फॉलो करो। एंड हम इस पूरा वीडियो को एक स्क्रीन रिकॉर्ड के जरिए दिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। मिस करोगे तो आपके पोको M3 प्रो 5G डिवाइस में नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल नहीं कर पाओगे। एंड आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मजेदार एंड टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल में हर रोज आते हैं। चले गाइस, हम सीधे हमारे फोन के स्क्रीन रिकॉर्ड में आते हैं। तो गाइज, ये करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगा, जिसका नेम एंड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। आपको सिंपली उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। एंड वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना पड़ेगा। एंड ओपन करने के बाद इस एरो बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। एंड क्लिक करने के बाद आपके जो भी परमिशन मांगेगा आपको बहुत ही केयरफुली से सारे परमिशन को ग्रांट कर देना पड़ेगा। जो मेरा पहला परमिशन है मैं उसको ग्रांट कर दिया, एंड मैं जो दूसरा वाला परमिशन है ओवरऑल परमिशन मैं उसको भी ग्रांट कर दिया। मतलब जो भी परमिशन है वो अपने हिसाब से बहुत ही केयरफुली से परमिशन दे देना पड़ेगा। देने के बाद एरो बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, टिक के ऊपर क्लिक कर देना पड़ेगा। एंड आप देख सकते हो कि मेरे डिवाइस में जितने सारे ऐप इंस्टॉल है सारे यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं आपको मेरा जो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप को इनेबल करके दिखाऊंगा। तो जो WhatsApp के साइड में जो इनेबल का ऑप्शन है आपको सिंपली उसको इनेबल कर देना पड़ेगा। एंड इसके बाद आप अपने नोटिफिकेशन की कलर भी चेंज कर सकते हो। तो कलर चेंज करने के लिए आपको जो WhatsApp लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो बहुत सारे कलर के ऑप्शन है, तो मैं सिंपली जो फर्स्ट वाला ब्लू कलर है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। ऐसे आप सारे एप्लीकेशन को, आपको जो जो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन चाहिए आप सारे एप्लीकेशन को इनेबल कर सकते हो। एंड आप सेटिंग्स में आप देख सकते हो और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जो आप अपने हिसाब से पढ़ के कस्टमाइज कर सकते हो। तो गाइज, मैं मेरा दूसरे फोन से इस फोन को WhatsApp में SMS करूंगा एंड आपको दिखाऊंगा कैसे नोटिफिकेशन लाइट वर्क करते हैं। तो मैं मेरा जो दूसरे फोन है उसमें मैं WhatsApp के SMS करता हूं। एंड आप देख सकते हो कॉर्नर में नोटिफिकेशन लाइट जल रहा है जो कि एक ओरिजिनल नोटिफिकेशन लाइट के जैसा ही लग रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन लाइट की लुक बहुत अच्छे, मतलब एकदम ओरिजिनल जैसा जो फील आ रहा है इस नोटिफिकेशन लाइट में। जो आप एक ओरिजिनल डिवाइस में जैसे नोटिफिकेशन लाइट जल रहा है आप वैसे ही आप देख सकते हो इस डिवाइस में जल रहा है। एंड दोस्तों, ये करते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर इंस्टाग्राम में DM करना, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई देकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मजेदार टेक्निकल वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।